साले की नजर लिखाओ, फर्स्ट पोजिशन पे हो, रेडी वेज या मार्क ओके तो गर्ल पी एंड रेडी कम स्लाइटली फॉरवर्ड बच्चा कम के लेफ्ट स्लाइटली ग्रेट सेकंड गर्ल भी साइड गर्ल तो जिम्मी टॉप राइट पे रहो लास्ट बच्चे तो लेफ्ट चूड़िया इज बेसिकली टाइटल आई से लाइक अनएंडिंग रिलेशनशिप्स जैसे चूड़िया होती ना उसका ना कोई शुरू होती है ना कोई अंत होता है सो दैट्स व्हाट बेसिकली एक सारे डायलॉग भी है कि एक रिलेशन जो कभी खत्म नहीं होता जी 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 आई में क्या था आई का जो मेन प्रिंसिपल कैरेक्टर वो मदर है तो यहाँ पे मदर की जगह हमने रिप्लेस किया उसको भाभी को तो जब भाभी पर रिप्लेस करते हैं तो देन लॉट ऑफ अदर थिंग्स कम्स क्योंकि भाभी एक एक अजीब रिश्ता है कि वो घर की सदस्य भी होती है और नहीं भी होती है अगर हस्बैंड स्पेशली मर जाए तो शी सीज़ टू बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली इफ शी डजंट हैव चिल्ड्रन और हमारे एक डायलॉग भी है उसमें जिसमें वो मतलब प्रीचर सानी अपनी बोलते हैं उनको कि यू नो जो घर पति से बनते हैं और उसकी जड़ें बच्चों से लगती हैं और तुम्हारे ना तो पति है ना बच्चे हैं हालांकि उसका बेटा है वो सो दैट्स द वी हैव दिस आपने देखे होंगे बट देयर वाज अ स्मॉल पैच वी वांटेड टू अपडेट सिचुएशन बेसिस इज द ड्रेस डिजाइनर इन द फिल्म वंस शी डूइंग सम फ्रीलांस एंड शी इज डिजाइनिंग सम ड्रेस तो वहां पे इज अ सॉर्ट ऑफ एन आइटम सॉन्ग बेसिकली Which Sukhvinder has done, and plus it has a Chudiya title. What made you Sukhvinder to get on the screen? Sukhvinder is an old friend, and Sukhvinder ne isko gana compose kiya tha, aur gana gaya bhi tha. So when Sukhvinder was composing it, so I said, why don't you sing it also? That's how the whole thing started off. Apne right mein, thoda zyada jata bar. Bar. Anju, thoda andar jao. मूड दो राकेश या गर्ल्स मूड गर्ल्स हां सर कम ऑन मूड से बूम ओके वन मोर रेडी लास्ट लड़की हाँ थोड़ा सा थोड़ा बेटा हाँ नहीं ये लेफ्ट साइड वाली हाँ बस स्टार्ट सर टेकिंग मूव मूड गर्ल स्माइल हाँ
क्या है कि आज ऑन स्क्रीन ऑन क्या मजा है? सॉन्ग बहुत चार्मिंग है, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने गाना गाया था, तो देन आई माई सेल्फ डिजाइंड लिटिल बिट ऑल्सो, इट इज संग बाय सुखविंदर सिंह एंड सोनू कक्कर। तो मुझे इतना चार्मिंग लगा तो कि जब मेरे को इन्होंने कन्विंस किया कि हम चाहते हैं कि ये गाना तुम्हारे पे शूट किया जाए, द वे दे कन्विंस्ड मी वॉज वेरी नाइस, और लगा कि रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं कि लाइक मुझे अपने करियर में कोई कमी नज़र आ रही है कि मैं जब तक ऑन स्क्रीन नहीं आऊँगा तब तक करियर एक्चुअली सेट नहीं होगा, नो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड, पीपल आर लिसनिंग माई सॉन्ग, वी आर डूइंग एक्ट द ग्रेट एक्ट ऑन स्टेज विद लाइव नॉट विद कट, इट इज लाइव। तो बट द वे दे कन्विंस्ड मी वॉज वेरी स्माइलिंग, तो मैंने कहा चलो, बट यहाँ पर पहुँचा तो पता चला इट्स नॉट रियली ईजी फॉर मी टू डांस अंडर डायरेक्शन ऑन स्टेज इज डिफरेंट, बट आई एम गेटिंग कॉपरेशन, पी जी बहुत अच्छे से करवा रहे हैं और उनको पता है कि ये स्टेज पे जिस तरह से खुल के परफॉर्म करता है, तो मैंने उनको बोला कि आपको जो है शेर को जंगल में रखना है कि पिंजरे में, कहते अभी पिंजरे में चाहिए शेर हमको, लेकिन शेर तो शेर ही रहेगा, सो वी हैव टू डिज़ाइन योर एक्टर्स, सो दे आर डिज़ाइनिंग, दे आर डूइंग इट एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू जस्टिफाई। दे टोल्ड मी कि देयर इज अ फैशन शो इन द सिचुएशन, और फैशन शो में हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसमें चूड़ियों के बारे में, चूड़ियाँ रंग बिरंगी होती हैं, कलर्स होते हैं, चांदी दी तेरे सुर में दानी बिच सोने दिया तारा 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 तारा, जे मेरी बाँह फड़के नचे पंज पता से वारा। तो चूड़ियाँ का इसमें जो उसका पैटर्न है कि चूड़ियाँ कलरफुल होती हैं, चूड़ियाँ सुहाग भी होती हैं, चूड़ियाँ फैशन भी होती हैं, तो चूड़ियाँ पहना एक अपने अपने स्टाइल भी है, बहुत कलरफुल होती हैं, बट लाइफ है इसमें, देयर इज मीनिंग, चूड़ियाँ इज़ नॉट अ सिंपली अ शो पीस, चूड़ियाँ इज अ मीनिंग, इट इज रिलेटेड विद अवर कल्चर टू। तो आगे इसका भी दिखाया जा रहा है, अभी लेफ्ट में आया तू, थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा पीछे, थोड़ा सा बटा लगा लो सर।